हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है उसका क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके ऊपर आज हमारा सातवां लेक्चर है। बेटे इससे पहले हमने छह लेक्चर ले लिए हैं, उन छह का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वो जाके देख सकते हो आप। और नीचे मैंने और भी बीएससी के मैथमेटिक्स है वो भी दिया हुआ है, नोट्स का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और इसी प्रकार आज का हमारा जो थ्योरम है वो है लवली थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा लवली थ्योरम, और बहुत ही ईजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। ठीक है, तो आज इसको टॉपिक करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्तों को भी बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लवली थ्योरम होती क्या है, तो स्टार्टिंग से मैंने बताया हुआ मेरे लेक्चर्स क्या होता है बेटा, एक दूसरे से इंटरलॉक्स होते हैं सारे लेक्चर्स, एक वीडियो दूसरी से, दूसरी तीसरी से। तो मेरे एक लेक्चर से मैंने अभी तक पांच छह करा दिए, आज मेरा सातवां लेक्चर है, सॉरी छठा है सातवां है, सातवां लेक्चर है। तो छह लेक्चर से एक दूसरे से कनेक्ट है, और इससे आपको इतना इजीली समझाया ना मैंने कि स्टेप को ओपन कर करके, तो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे मेरे, क्योंकि मेरे हर में ऐसे ही मैं करता हूं, क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो बच्चों को इजीली समझ में आएगा। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लवली थ्योरम बेटा क्या होती है हमारी, इफ एंटायर फंक्शन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटायर फंक्शन क्या होता है भाई। एंटायर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो डोमेन के, किसके डोमेन के हर पॉइंट पे, डोमेन के हर पॉइंट पे एनालिटिक हो। एनालिटिक अब आता है, आपका क्वेश्चन आएगा सर एनालिटिक क्या होता है भाई, एनालिटिक जो मतलब डिफरेंशिएबल या फिर कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन हमारा, कंटिन्यूस भी होगा। तो एंटायर फंक्शन वो होता है जो डोमेन के हर पॉइंट, किसी फंक्शन की डोमेन पे हर पॉइंट पे वो फंक्शन एनालिटिक हो, उसे इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड देन इट इज कॉन्स्टेंट। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड देन इट इज कॉन्स्टेंट। या तो ये इस नाम से थ्योरम आएगी, या फिर आपको लवली नाम से ही थ्योरम पूछ, जब भी थ्योरम आएगी ना एग्जाम में तो आपको सिंपल से पूछेगा लवली थ्योरम क्या, स्टेट एंड प्रूव लवली थ्योरम। तो बेटा इसको या तो आपकी पहली डेफिनेशन हो गई, या फिर इसी की दूसरी और तीसरी डेफिनेशन मैंने आपको लिखा हुआ है, जाके वो देख सकते हो आप। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि एंटायर फंक्शन हमारा क्या होता है, जो मैंने बता दिया, ऐसा फंक्शन जो आपके डोमेन के हर पॉइंट पे एनालिटिक हो उसको हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। अब देखो इसका प्रूव करते हैं बेटा, बहुत ही इजी प्रूव है। जो पीछे अभी तक मैंने टॉपिक कौन कौन से करा दिए, कोची थ्योरम करा दिया है, कोची इंटीग्रेशन इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल थ्योरम का फर्स्ट डेरिवेटिव भी करा दिया है, उसका nth डेरिवेटिव, मोरेलर थ्योरम कराया, फिर कोची इनइक्वालिटी थ्योरम कराया, और हमारी लवली थ्योरम है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए अभी तक एमएससी मैथमेटिक्स के, किसके एमएससी के, एमएससी का कौन सा मैथ है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अभी स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बेटा हमने क्या किया, दो पॉइंट मान लिया, ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट दो मान लिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ इन जेड प्लेन, जेड प्लेन में हमने इसको मान लिया है, दो पॉइंट लिए हैं ए एंड बी, वो भी क्या है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, एंड लेट सी बी द लार्ज सर्कल विद द सेंटर जेड इज इक्वल टू जीरो। बेटा जब कोची इनइक्वालिटी थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी थी, इसमें सेंटर क्या था हमारा, जेड माइनस ए इज इक्वल टू क्या था, रेडियस आर, बट इसमें सेंटर क्या है हमारा, जीरो, बस इतना सा डिफरेंस है। अभी तो ये क्या हो जाएगा, जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू आर, क्योंकि सेंटर ए हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे उसमें क्या था सेंटर, कोची इनइक्वालिटी में क्या था हमारा, सेंटर ए था, रेडियस क्या थी आर, तो यहाँ सेंटर क्या हो गया बेटा, जीरो, एंड रेडियस कैपिटल आर है सेम, सच दैट सी इनक्लोज एट ए एंड बी। अब देखो बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पिछले लेक्चर में समझाते हुए आ रहा हूं, जेड माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या थी आर, लेकिन यहाँ सेंटर क्या है जीरो, तो जीरो हो गया, ए की जगह जीरो किया तो जड़ का मॉडुलस इज इक्वल टू आर। तो ये इक्वेशन पता लगा कहां से आई हमारी, सिंपल सी आ गई ना, जड़ का मॉडुलस इज इक्वल टू आर। जब भी बेटा किसी चीज का हम मॉडुलस हटाते हैं, तो मॉडुलस हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या चला जाता है, ई की पावर आयोटा थीटा। समझ में आया आयोटा थीटा कहां से आया, यहां का मॉडुलस हटाया तो दूसरी साइड क्या जाता है, ई की पावर आयोटा थीटा, तो यहां क्या आ गया, ई की पावर आयोटा थीटा। अब ये हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन वन का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जब किया तो इधर डीजेड आर हमारा कांस्टेंट है, ई की पावर थीटा का, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स होता है, और एक्स का हमारा क्या आएगा वन, यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स का क्या जाता बेटा हमारा टू एक्स, तो यहाँ क्या आयोटा थीटा, तो ई की पावर थीटा अरिचिड, और आयोटा थीटा का क्या हुआ आयोटा, और थीटा का क्या बेटा हमारा डी थीटा, हो गया कंप्लीट यहां तक। अब क्या किया हमने, मॉडुलस बोथ साइड, बीच इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर टू नाम दिया, और इसको क्या कर दिया हमने, मॉडुलस बोथ साइड कर दिया इक्वेशन टू के। तो क्या dz r का मॉडुलस, e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा का मॉडुलस d थीटा का मॉडुलस। अब बेटा आप छोटी क्लास से पढ़ते जा रहा, आयोटा का मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है वन, e की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है वन, ये मैं पिछले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था, इसलिए मैं बोलता हूं मेरे लेक्चर्स क्या बेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
इससे आपको एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में जाने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं अपने हिसाब से नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, लगभग कुछ नोट्स ही मेरे पेड रहते हैं, और पेड फीस भी मेरी ओनली 100 रुपए रहता है पूरी बुक का, ठीक है। तो नोट्स भी मैं लगभग, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरे नोट्स सीरियल वाइज प्रोवाइड कराता हूँ इसीलिए, ठीक है। तो पेड नोट्स किसी को पूरी बुक के चाहिए तो 100 रुपीज में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। तो यहां से डीजेड की वैल्यू आ गई हमारी, ये बिल्कुल। तो डीजेड की वैल्यू क्या आई बेटा, डीजेड का मॉडुलस इज इक्वल टू ई की पावर थीटा, हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। अब आयोटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 पुट दी। तो डीजेड का मॉडुलस किस क्या क्या बच गया हमारा, आर बच गया यहाँ पे और डी थीटा बच गया। तो डीजेड की वैल्यू क्या हुई, आर डी थीटा। बताओ यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि पिछला लेक्चर था यहां तक हमारा। आगे चलते हैं। अब आपने क्या है, गिवन एफजेड इज बाउंडेड, ये तो गिवन है, ठीक है। और एफजेड की वैल्यू देखो, अभी ये फिर हमारा लास्ट लेक्चर, लास्ट ईयर में हमारी एफजेड की क्या वैल्यू थी, लेस देन इक्वल टू एम थी हमारी, याद हो तो। ये कहां से कोची इनइक्वलिटी में दिया हुआ था, हमारा गिवन था ये, वेयर एम इज ग्रेटर देन जीरो एंड एम बिलोंग्स टू जेड भी है हमारा, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो गया हमारा, लेस देन एफजेड की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, लेस देन इक्वल टू एम आ रही है हमारी। ये लास्ट लेक्चर कोची इनइक्वलिटी में मैंने आपको पढ़ाया अभी था। अब आती है हमने भाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये लेक्चर नंबर 2 से कनेक्ट हो गया यहाँ पे। तो कोची इनइक्वलिटी फॉर्मूला हमने लिया, तो क्या होता है, एफ एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। सिमिलरली इसने एफ की जगह एफ ए लिया, एक बार नीचे इसने एफ बी की वैल्यू निकाल दी, तो जहां जहां ए था बेटा वहां बी हो जाएगा, यहां ए था तो यहां बी हो गया। सेकेंड इक्वेशन भी सिमिलरली आ गए। अब इसने आगे क्या कर दिया, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दी, ठीक है। तो एफ ए माइनस एफ बी कर दिया, तो ये और ये दोनों में कॉमन है, पहले घटा रखा है इसे, ये पहले वाली इक्वेशन लिख दी एफ ए लिख दी और ये इसने एफ बी लिख दी, ठीक है। अब आगे ये दोनों कॉमन है, 1/2 पाई आयोटा कॉमन ले लिया, एफ जेड दोनों में कॉमन है, डी जेड दोनों में कॉमन है, ये सारी चीज कॉमन निकाल लेते हैं। एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कॉमन ले लिया दोनों से, और एफ जेड डी जेड भी कॉमन था तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1/z-a - 1/z-b। अब इधर जेड माइनस ए जेड माइनस बी का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर क्या टर्म बच गई, ए माइनस बी हमारी, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी ए माइनस बी अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी एफ जेड डी जेड। यहां तक इसको क्या समझ में नहीं आया बताओ। अब ए माइनस बी क्या बेटा, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हमने कॉन्स्टेंट टर्म क्या ले ली, बाहर ले ली, तो इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया यहां पे। अगला देखो, अब क्या कर दिया, इक्वेशन 3 में टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया, मॉडुलस कर दिया, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी का मॉडुलस इज इक्वल टू इसके पूरे के मॉडुलस लगा दिया। अब यहां पे क्या मॉडुलस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, मॉडुलस पता है, ए बी का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, तो सब पे मैंने अलग अलग यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया। अब ये सारी चीजें आपने, मैंने वही पढ़ाया हुआ आ गया भाई, करेंगे इधर आयोटा का मॉडुलस आएगा 1 हो जाएगा। एफ जेड की वैल्यू कितनी दी हुई थी, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, लेस देन इक्वल टू एम पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ाया था ना। डी जेड की वैल्यू हमने निकाली थी आर डी थीटा, याद हो तो आपको, डी जेड का मॉडुलस, सॉरी जेड का मॉडुलस पढ़ाया था, एक मिनट देखो चलते हैं एक बार थ्योरम के ऊपर, हमने किसकी, डीजेड की, डीजेड का मॉडुलस निकाला था आर डी थीटा हमारा, ठीक है। तो यहां पे हमने डी आर थीटा सारी वैल्यू, हम यहां पे जेड का मॉडुलस किसके इक्वल आया था, आर के इक्वल आया था, गिवन था ये हमारा, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू, तो आयोटा का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब एफ जेड की वैल्यू मैंने बताया था एम हो जाएगी यहां से हमारी, और डीजेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीजेड का मॉडुलस किसके इक्वल था, 1। अब बेटा इसने यहां पे डीजेड की वैल्यू हमने निकाला था तो हमारा क्या आया था, आर डी थीटा, बट इसने डीजेड की वैल्यू ये नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्योंकि इसको जानना था यहां पे क्या सी हमारा, सर्कल, सर्कल है तो इसको कुछ प्रूव हमें अलग करना था, क्या प्रूव करना था, उस प्रूव के ऊपर बताएंगे अभी हम आपको। तो उससे पहले आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ जेड की वैल्यू, डीजेड की वैल्यू, और यहां देखो अभी आगे चलते थोड़ा बताता हूं आपको। तो 2 पाई आयोटा तो हट गया यहां से, एम की वैल्यू हो गई, इंटीग्रेशन हटाने के लिए उसने डीजेड की जगह क्या किया, 2 पाई आर, मतलब क्यों किया 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब पूरा घूमने के 2 पाई आर चाहिए उसको, सर्कल का ये घूमने के लिए उसको। और पिछले में बेटा हमने क्या किया था, कोची इनइक्वालिटी में डीजेड इज इक्वल टू किया था आर डी थीटा हमने पुट किया था, क्योंकि उसमें हमें पूर्व अलग चीज करनी थी, इसमें पूर्व अलग चीज करनी, इसलिए हमने 2 पाई आर लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डीजेड का मॉडुलस किया, तो डीजेड की वैल्यू मैंने, सॉरी जेड का मॉडुलस की वैल्यू शुरू में क्या थी, आर थी, ये यहाँ पे इसकी
आर यहां पुट कर दिया, एक बार यहां पुट कर दिया। अभी हमें पुट करना है आर इज इक्वल टू इंफिनिटी, लिमिट क्या लेनी है आर से इंफिनिटी लेनी है। तो इक्वेशन फाइव में बेटा जब इंफिनिटी लेंगे दो आर हो गए, एक तो ये आर बच गया, वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है सभी को पता है जीरो, तो ऊपर एक आर है, एक आर यहां से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर वन माइनस ए का मॉडुलस अपॉन आर, एक आर यहां से कॉमन लेंगे तो आर वन माइनस बी का मॉडुलस अपॉन में आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब लिमिट टेंस टू वन इंफिनिटी तो यहां क्या आएगा बेटा, ये तो वैसे ही रहेगा तो नीचे क्या होगा वन अपॉन इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी यहां पे जीरो। तो एफ ए माइनस एफ बी का मॉडुलस जीरो, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, हमें कॉन्स्टेंट ही प्रूव करना था, आपको याद हो तो क्या करना था यही हमें प्रूव करना, सिंस शो बाई एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, एफ जेड हमारा क्या आया बेटा कॉन्स्टेंट आया क्योंकि हमने एफ जेड का यहाँ पे पूरा यूज किया बेटा। ये था कोची इनइक्वालिटी और लवलीज थ्योरम में डिफरेंस, यहाँ पे हमने डीजेड की जगह क्या पुट किया टू पाई आर, पिछले में क्या क्या डीजेड का हमने जो मॉडुलस निकाला था वो वैल्यू पुट किया था, ये डिफरेंस है बेटा मोटा मोटा, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारी ये थ्योरम प्रूव होती है और यही हमें आज का हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स। और भी आपको कोई भी अपना मतलब ये क्या है जो मैं एमएससी का सिलेबस एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, एमएससी जो मैथमेटिक्स है जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ ये ऑल यूनिवर्सिटी का कॉमन सिलेबस करा रहा हूँ। क्या होता है बेटा हमारा मैथ एमएससी मैथमेटिक्स में ना किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग नहीं होता, ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है हमारा सेम होता है, बस टॉपिक का सेक्शंस बदल जाते हैं क्योंकि सेक्शन वाइज पेपर होता है हमारा, सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर, तो सेक्शन वाइज टॉपिक्स अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं बट टॉपिक्स हमारे सारे ये क्लियर रहेंगे। हाँ अगर आपको ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हमें थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप अपना मेरे को सिलेबस सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पे, मैं वहां से उसको अरेंज करके आपको उस तरीके से पीडीएफ और नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो इतना ही मैं आप लोगों को कर सकता हूं, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।